बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चीत दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामति कहे ए मोमिनो, भया चर्चा काबख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, साथ आहेड़ का आईया और मोटी बाय, मस्करी राजसो करे खुशखबरी राजसो पाई, खुशखबरी राजसो पाई। राणे ने ये बात सुनी, धाम धनी अक्षरातीत बीतक साहब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कल हमने छोटी पत्री और उसके आगे जब श्री जी दिल्ली से चलकर उदयपुर पहुंचे, और वहां कल के प्रसंग में हमने सुना कि कामा पहाड़ी से जब श्री जी पहले आमेर पहुंचते और वहां विष्णु सिंह जी को भी पत्र लिखते हैं और औरंगजेब के सामने युद्ध करने के लिए संदेश भेजवाते हैं, वो तैयार नहीं हुआ। फिर श्री जी वहां से सांगानेर पहुंचे और वहां मुकुंदासी और शेख बदल को भी जानकारी मिलती है, वो भी वहां पहुंचते हैं और श्री जी पूर गांव में एक चारपाई खाट पर बैठे हैं, कितने दिनों से भूखे, साथ में छबिलदास मलूपचंद। कल मैंने विस्तार से बताया था कि सुंदर साह जी जिस अक्षरातीत के चरण कमल पड़ने से पूरे संसार को अखंड मुक्ति मिली और आने वाले समय में सचराचर सभी प्राणियों को मुक्ति मिलने वाली है, वही श्री जी ने इस ब्रह्मांड में आत्माओं को जगाते जगाते जब वो आज आगे
मंदसौर पहुंचेंगे। लेकिन कहना मेरा यही भाव है सुंदर साहब जी, श्री जी ने इस प्रसंग इस घटनाक्रम के माध्यम से क्या सिखापन दी, कि एक धर्म प्रचार के लिए क्या तप, क्या साधना, क्या त्याग, कितना सादगी भरिया जीवन, और आज वर्तमान में जो भी धर्म प्रचारक या बड़े बड़े पद पर बैठे हुए महानुभाव लोग अपने अंदर कोई जागनी के प्रति पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, और वैभव सुख में डूबे हैं, तो इससे थोड़ी जागनी होगी, ये तो गृहस्थी जीवन के लिए है। धनी ने ये संदेश देते हुए आगे इसी घटनाक्रम के आगे क्या बताया राधाम धनी ने, कि जो दिल्ली के अंदर 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह की कैद में थे, उसका पत्र भी श्री जी पर आता है, और श्री जी जब हुक्म करते आदेश के, हाँ तुम आ जाओ, और ये मोमिन भी उदयपुर आके श्री जी को मिलते हैं। वहां तक का हमने घटनाक्रम देखा, और यहां आगे चौपाई में बताया कि आहेड़ के सुंदर साध भी वहां आके मिलते हैं, और मोटी बाई सिराज जी के साथ कैसी हंसी मजाक की लीला करती थी, क्योंकि राज जी ने ऐसी उसको शोभा दी है। और अगले चौपाई में बताया कि राणे ने ये बात सुनी अपनी मजलिस में, नित्य लोग आए कहे अस्तुत निंदा सुने। उदयपुर में राणा के आगे अपने राज दरबार के सभी सदस्य, अपने राज दरबार के सभी सदस्य आके बहुत जोर शोर से निंदा करने लगे। किसकी? श्री जी और सुंदर साथ की। क्या निंदा करने लगे? कि श्री जी हमारे उदयपुर में कोई महात्मा लोग बहुत बड़ी जमात लेके यहां आए हैं, वो लगते हैं देखने में तो महात्मा, लेकिन कोई अंदर छल कपड़ तो नहीं है ने। फिर और आगे निंदा में कहने लगे कि महात्मा लोगों के पास, उसकी जमात के पास अनंत ज्ञान है, अनंत दृष्टि है, और कोई ऐसा भी कहने लगे कि वो ठग है। कैसा है? वो ठग है, और सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों का दावा लिया है, और ऐसी वेशभूषा धारण की है। और आगे और भी लोग ऐसे निंदा करने लगे कि नहीं, वो मुसलमान है। कौन है? वो मुसलमान है। इतना नहीं, ये हमारे दरबार में आकर हमको भी मुसलमान बनाना चाहते हैं, ऐसा छल करने के लिए लोग यहां आए हैं। तो ऐसे पूरी निंदा करने लगे, निंदा में सब लोग लग गए, और कोई लोग कहने लगे कि वो हिंदू पक्ष की भी चर्चा करते हैं और कतेब पक्ष की भी चर्चा करते हैं, मतलब भागवत और
गीता भी की चर्चा करते हैं और कुरान और हदीस की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि जिसको निंदा ही करनी है तो उसके लिए तो कोई बहाना या छिद्र मिल ही जाएगा। तो ऐसी इधर उधर की बातें करके वो सब निंदा में लग गए। कौन? राजसी राणा के दरबारी लोग, वहां के जो जो सदस्य लोग थे वो सब निंदा में लग गए। तब जाके राजा ने बोला कि तुम लोग ऐसे करो, किसको बोला? पंडित लोगों को बोला कि जाओ तुम पंडित लोग, ये जो महात्मा लोग इतनी जमात के साथ आए हैं, वहां जाके तुम वास्तविकता की जांच करो, क्या सही में सत्य है, वो कैसी धर्म चर्चा करते हैं और धर्म चर्चा में कहाँ का ज्ञान बताते हैं, किस स्तर की चर्चा है, ये तुम जाके पूरी वास्तविकता की पहचान करो और आके मेरे को बताओ। तो इन पंडित लोग जो दरबार में रहते थे वो लोग गए, कहाँ गए? श्री जी के पास। और श्री जी वहां अवलौकिक चर्चा शुरू कर दी थी। श्री जी ने प्रेम से भरी हुई, अवलौकिक माधुर्यता से भरी हुई ज्ञान चर्चा का रस प्रवाहित हो रहा था। वहां जाके ये पंडित लोग पहुंचे तो ये लोग तो पेटारथु थे। पेटारथु मतलब जिसके अंदर कोई ज्ञान न हो, जिसके अंदर कोई भक्ति न हो, जिसके अंदर कोई त्याग न हो, तप न हो, कोई जात की साधना न हो, सिर्फ बस खाने पीने और भोजन में ही अपना बस पूरा दिन मन लगा रहे, उसको कहते हैं पेटारथु। तो पंडित लोग श्री जी की जहां चर्चा चल रही थी वहां गए और वहां श्री जी जोश में चर्चा कर रहे थे। उसने चर्चा सुनी, सुन के वो हैरान हो गए, मतलब अंदर संशय और डर बैठ गया, संशय भी पैदा हुआ और डर बैठ गया। किस बात का? कि अरे ये तो अखंड कोई अवलौकिक अद्भुत ज्ञान की चर्चा करते हैं, इन चर्चा में कदाचित हमको कोई एकाध प्रश्न पूछ लेंगे। तो पंडित लोग तो कैसे थे? कर्मकांडी याज्ञिक ब्राह्मण थे, उसी के अंदर कोई ऐसा ऋतुम भरा प्रज्ञा वाला समाधिस्थ अवस्था में प्राप्त किए हुए वाला कोई ज्ञानी नहीं था, वो तो याज्ञिक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो उसके अंदर डर बैठ गया कि कोई ऐसा ही प्रश्न पूछ देंगे तो हम क्या जवाब देंगे, किसको? राजा को। तो वहां चर्चा तो सुनी लेकिन अंदर डर बैठा है। फिर श्री जी ने वहां भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न उसी पर चर्चा प्रारंभ की और इन पंडित लोगों को भी पूछा इसमें से प्रश्न कि तुम भागवत के 40 प्रश्न के अंदर का आप मेरे को जो मैं सवाल पूछूं, आपको प्रश्न पूछूं, वो आप जवाब दीजिए। इतना नहीं, वेदांत के ऊपर भी मैं आपको सवाल प्रश्न पूछूं, आप जवाब दीजिए। तब भागवत के अंदर का श्री जी ने जो प्रश्न पूछा सुंदर साथ जी, उसमें भागवत के अंदर जो 40 प्रश्न, एक दो प्रश्न को देखे कि रासलीला समय श्री कृष्ण जी नेक योग माया का आश्रय लिया ऐसा भागवत में लिखा है, तो योग माया क्या पदार्थ है? मतलब रासलीला के समय श्री कृष्ण जी ने नेक योग माया ब्रह्मांड का आश्रय लिया, तो वो भागवत में लिखा हुआ है, तो योग माया क्या पदार्थ है? एक प्रश्न वो पूछा।
तो हम उसका जवाब जाने। लेकिन उन पंडित लोगों के पास कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो तो कर्मकांडी थे, बस उसी के अंदर कोई अध्यात्म का गहरा, धर्मशास्त्रों को लेकर कोई गहरा ज्ञान नहीं था। तो यहाँ भागवत के 40 प्रश्न जो सुबोधि जी ने टीका के अंदर वल्लभाचार्य जी ने जो रखा था, उसका जवाब भी हमने सूरत के अंदर देखा कि जब गोविंद जी व्यास करके एक राधा वल्लभी अनुयायी जब आते, उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। एक वल्लभ दलाल करके हमारे सुंदर साथ जब गोविंद जी व्यास को श्री जी के पास लाते हैं, वो श्री जी गोविंद जी व्यास के स्वमुख से इस 40 प्रश्नों का उत्तर दिलाते हैं। तो यहाँ ये जो प्रश्न पूछा, तो रासलीला के समय योग माया का आश्रय लिया, वो योग माया कहाँ पर है ये धामधनी ने वाणी में बताया है। यही स्वरूप ने, यही वृंदावन, यही जमुना तट सार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगा, तार्त में किधा निर्धार। क्या बताया कि ये नश्वर जगत जो नारायण तक का है, वहां कोई अखंड योग माया ब्रह्मांड नहीं है, और दिव्य परम धाम इससे परे जो अक्षर है, अक्षर का चार चतुष्पाद विभूति कहा गया है, उसके अंदर जो केवल ब्रह्म है, और उससे परे दिव्य परम धाम है। तो केवल ब्रह्म में अखंड ब्रह्म अपनी अखंड योग माया शक्ति के साथ, अखंड ब्रह्म अपनी अखंड योग माया शक्ति के साथ जो लीला कर रहा है, तो ये ब्रह्मांड नहीं परम धाम में है, नहीं इस जगत में है, बीच में केवल ब्रह्म जो बुद्धि का स्वरूप है, वहां जाके श्री कृष्ण जी ने इस तन में क्या शक्ति थी, अक्षरा तीत का आवेश और अक्षर की आत्मा, और वहां जाके जब बांसुरी का नाद किया और सब सखिया ये काल माया का ब्रह्मांड में जो थी, 24,000 कुमारिकाएं और 12,000 ब्रह्मात्माए सब ने अपना पंच महाभूत तन छोड़ दिया, और सबकी सुरता कहाँ पहुंची, इस अखंड योग माया ब्रह्मांड में। तो ये बिचारे पंडित लोग ये जवाब कैसे दे पाएंगे, हद से परे कोई गया ही नहीं कि बेहद क्या है, जहां पंच वासनाएं पहुंची। तो ये तो धाम धनी ने वाणी में बता दिया है। और दूसरा प्रश्न क्या रखा कि सर्वशक्तिमान ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण जी, अरे इस गुजराती में है ना, कोई बात नहीं, चलो मैं हिंदी में कर दूं। सर्वशक्तिमान ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण जी ने योग माया का आसरा क्यों लिया। मान लो श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निदान है, सर्वसमर्थ है, तो योग माया का आश्रय क्यों लिया। तो यहां उन लोगों ध्यान से जो पंडित लोग थे, उसके पास कोई तात्विक ज्ञान नहीं था, वो तो बस जो कृष्ण मथुरा की जेल में जन्म लिया और उसी के अंदर विष्णु भगवान के जीव ने जन्म लिया, और उसी के बाद जो गौलोक की शक्ति आई, जब वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कही अवतार, तो इसी समय जो गौलोक की शक्ति आई बांके बिहारी की, और उसी के बाद ध्यान से सुनिए भेद को, जब गोकुल में पहुंचे वहां अक्षरातीत का आवेश और अक्षर की आत्मा ने प्रवेश किया, नंद घर में जब प्रवेश किया तब ये दोनों शक्ति ने प्रवेश किया, और जो ये तीनों शक्ति की जो त्रिधा लीला है उसका भेद ये याज्ञिक ब्राह्मण कैसे जानते हैं। तो ये सबने तो कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कहे, लेकिन भेद न जाने कोई, तो ये कृष्ण का भेद कैसे जाने। तो उसने तो कृष्ण को ही परब्रह्म मान लिया, क्या मान लिया, कृष्ण को ही परब्रह्म मान लिया, लेकिन कृष्ण नाम का जो नूरी तन था उसी के अंदर अक्षरातीत का आवेश और अक्षर की आत्मा ने प्रवेश किया था।
तो यहाँ बताया कि वो योग माया का आश्रय ही क्यों लिया, क्योंकि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईशक बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं जो किनविद केल करत निशदिन रंग माहौल में साथ श्यामा जी श्याम याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठो जाम। हम रूहे सब ब्रह्मात्माए रंग माहौल की नव भूम और दसवीं आकाशी में जो रोज प्रेम और आनंद की जो लीलाएं करती थी वो अक्षर ब्रह्म सामने रहते हुआ हुए छता भी उसको पता ही नहीं था कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम और आनंद की कैसी लीला चल रही है। तो ये अक्षर को दिखाने के लिए ये योग माया ब्रह्मांड का आसरा लिया। वो तीसरा प्रश्न पूछा कि जगुण देह धन मय देह संध प्रक्षीण बंधना, मतलब इस समय त्रिगुणात्मक शरीर छोड़कर ये परित्याग करके गोपिकाएं कौन सब सखिया जब श्री कृष्ण जी को मिली और वहां उसने कैसा शरीर धारण किया। ऐसा एक और भी प्रश्न पूछा भागवत के आधार पर। तब श्री जी तो जवाब दे रहे हैं, पंडितों के पास कोई जवाब नहीं है। श्री जी ने बताया कि जब सब सखिया ये त्रिगुणात्मक सत रज और तम से बना हुआ और पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर छोड़कर जब योग माया ब्रह्मांड में पहुंची तो वहां कैसा त्रिगुणा तित नूरमय शरीर धारण किया। और आगे बताया कि प्रलय के बाद वैकुंठ कहाँ स्थित रहता है। तो यहाँ सुंदरसा जी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा और प्रलय के बाद जब नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय भागवत में बताया है जब महाप्रलय होता है तब ये लोग वैकुंठ 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 बोलते हैं। तो इन संसार के जीवों को पता नहीं कि एक वैकुंठ है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश भी रहते हैं, एक वैकुंठ है जो अखंड जिसे कहते हैं गोकुल, अखंड वैकुंठ जिसको अखंड वैकुंठ कहते हैं। तो वो कहाँ पर है इस संसार के जीवों को पता नहीं है। यह श्री जी ने समझाया कि अखंड जो वैकुंठ है वो कभी महाप्रलय में नाश नहीं होता। ये यहाँ का जो 14 लोक अंतर्गत वैकुंठ है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की पुरी है वो तो तीसरे प्रलय प्राकृतिक प्रलय में नाश हो जाता है। तो जो अखंड वैकुंठ है वो अव्याकृत के महाकारण में स्थित है। और एक प्रश्न और पूछा कि प्रलय के समय नारायण श्वेत द्वीप में निवास करते हैं ऐसा लिखा हुआ है तो श्वेत द्वीप कहाँ पर आया है। तो यहाँ धामधनी ने बताया कि जब महाप्रलय के बाद जब इस संसार का 14 लोक अष्टावरण युक्त नारायण तक सब जब नाश हो जाता है महाप्रलय में तब ये सब कहाँ स्थित होता है तो अव्याकृत का महाकारण और शबली का स्थूल वहां सब स्थित हो जाता है उसको कहते हैं श्वेत द्वीप। तो ऐसा भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न में हम एक दो प्रश्न ले क्योंकि और आगे बढ़ना है और वेदांत के भी एक दो प्रश्न श्री जी ने पूछा कि जो ब्रह्म निराकार है ऐसा आप मानते हो तो ब्रह्म को साकार स्वरूप क्यों कहते हो। पहला प्रश्न वेदांत का क्या पूछा, जो ब्रह्म निराकार है क्योंकि आज संसार में 4 पद्धतियां प्रचलित है ना, कोई कहता है ब्रह्म साकार है, कोई कहता है ब्रह्म निराकार है, कोई कहता है कि ब्रह्म कैसा है कि भाई कई बार यह संसार के कल्याण के लिए महापुरुषों के रूप में अवतारों के रूप में यहाँ तन धारण करते हैं, कोई गुरु सद्गुरु के रूप में मानते हैं। और चौथी जो पद्धति है मान्यता है उसमें कौन क्या कहते हैं कि ब्रह्म साकार भी नहीं है ब्रह्म निराकार भी नहीं है
ब्रह्म महापुरुष के गुरु सदगुरु के रूप में भी नहीं है। ब्रह्म तो तीनों पद्धति तीनों मान्यता से परे ब्रह्म शुद्ध प्रेम के स्वरूप आनंद के स्वरूप निर्विकार ब्रह्म है। तो यहां क्या पूछा कि ब्रह्म को आप निराकार कहते हो, ब्रह्म को आप निराकार कहते हो तो फिर साकार स्वरूप क्यों बोलते हो? तो यहां जवाब दिया कि निर्गत आकार से निराकार, जिसको आकार ही नहीं है उसको कहते हैं निराकार। तो निराकार का तो कोई रूप ही नहीं है तो आप निराकार स्वरूप क्यों कहते हो? और दूसरा प्रश्न, अज्ञान होने भी तो भी आप ब्रह्म को बृहद सर्वत्र और पूर्ण कैसे कहते हो? आप एक की ओर ब्रह्म को अज्ञान में ठहराते हो और दूसरी ओर बृहद सर्वत्र और पूर्ण कहते हो, तो ये तीनों शब्द का कोई मेल नहीं है। जहां अज्ञान है वहां ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म जो सर्वत्र है तो सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता है। कण कण में होता तो दिखता सब कोई, पिंड में होता तो मरता न कोई, तो ये ब्रह्म सर्वत्र होता तो यहां अज्ञान नहीं। ब्रह्म सर्वत्र होता तो अज्ञान कछुए नहीं। ये षट शास्त्र हुए कहाँ के, ये षट शास्त्र हुए कहो को ऐसी आवत मन माही। मतलब जो ब्रह्म सर्वत्र होता तो ये छह शास्त्र की रचना करने की और अन्य धर्म ग्रंथ रचने की क्या जरूरत पड़ी? और अज्ञान है वहां तो ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म तो पूर्ण है ये संसार तो अपूर्ण है। ब्रह्म तो सच्चिद और आनंद के स्वरूप है, ये जगत तो असत जड़ और दुखमय है। तो ऐसे भागवत और वेदांत के प्रश्न सुंदर साथ जी पूछे। किसने पूछे श्री जी? किसको पूछते हैं प्रश्न? ब्राह्मण लोगों को। इन ब्राह्मणों को कोई जवाब नहीं आया, इन ब्राह्मणों को कोई जवाब नहीं आया। तब जाके उस ब्राह्मणों के दिल में क्या विचार आया कि अब ऐसे ही जो चलता रहेगा तो हमारी रोजी रोटी जो इस राज दरबार से मिलती है वो भी चली जाएगी। इतना नहीं, राज दरबार से जो दक्षिणा मिल रही है राजा की ओर से दान, क्योंकि वो लोग कर्मकांड कराते तो वहां से दान दक्षिणा भी मिलती थी, तो ये भी चली जाएगी। तो चलो अंदर डर बैठ गया कि उसी के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो सब लोगों ने मिलकर, सब पंडित ब्राह्मण लोगों ने मिलकर एक आपस में मसलत की, चर्चा की, और क्या एक प्लान बनाया कि चलो हम इन लोगों की निंदा शुरू कर दे। तो यहां धामधनी आगे बताते सुंदर साह जी कि ये पंडित लोग किसके वंशज थे, ये पंडित लोग किसके वंशज थे। तो धामधनी ने आगे उसमें कई चौपाइयों में प्रमाण बताए हैं कि ये पंडित लोग भृगु के वंशज थे और ब्रह्मा जी के भी वंशज थे, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जब ये वेदज्ञ ब्रह्मा जी जब श्री कृष्ण जी जिसके अंदर अक्षरातीत का आवेश आने वाला था और ब्रह्म की लीला होने वाली थी, वो श्री कृष्ण जी जब देवकी के गर्भ में है तब ब्रह्मा जी मथुरा जाके जेल के अंदर पहुंचकर स्तुति करते हैं। किसकी? श्री कृष्ण परमात्मा की। ब्रह्मा जी ने क्या माना कि बाहर आएंगे सृष्टि का कल्याण होगा, लेकिन जैसे ही बाहर आए कौन, जब परब्रह्म की शक्ति उस कृष्ण जी के तन में आई और जब लीला प्रारंभ हुई और जब बाण लीला हो रही है वनों के अंदर और वहां गोप बालक बालकों साथ में
कृष्ण जी के साथ जब भोजन आरोग रहे हैं और श्री कृष्ण जी के अंदर तो अक्षरातीत की आवेश शक्ति थी, वो तो सब जानते थे कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो उसी के सामने ही वो बालकों का मुंह से निकाला हुआ जूठा खाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देखा और उसने परीक्षा ली और गौ बालकों और गौ बछड़ा के साथ गाय के साथ हरण कर लिया। उसी के बाद और भी एक प्रमाण दिया है कि जब एक बार ऋषिश्वर, ऋषि किसको कहा जाता है, जो समाधिस्थ अवस्था में ऋतुभरा प्रज्ञा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको कहा जाता है ऋषि। लेकिन मैंने बताया ये तो याज्ञिक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, ये ऋषि नहीं थे। लेकिन यहां बताया है कि ऋषिश्वर की पत्नियां के अंदर क्या पहचान है और जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उसी के अंदर क्या पहचान है। तो एक दिन वो वन में यज्ञ कर रहे थे, श्री कृष्ण जी ने उन ब्राह्मणों की परीक्षा ली। उसने गोप बालकों को भेजा कि जाओ वहाँ, वो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं ने, वहाँ से थोड़ा कुछ भोजन प्रसाद लेके आओ। तो जब गोप बालक कहाँ गए, और ऋषिश्वर जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहाँ गए और वहाँ जाके भोजन प्रसाद मांगा। तो वो ब्राह्मणों ने क्या बोला कि भाई हमारा हवन यज्ञ चल रहा है, जब तक ये यज्ञ खत्म नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम प्रसाद नहीं देंगे। लेकिन उसकी जो पत्नियां है, उसकी जो पत्नियां है, उसने पहचान लिया कि नहीं, वो जिसका यज्ञ कर रहे हैं और वही तो प्रसाद लेने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे पतियों ने पहचाना नहीं, चलो हम ऐसे करें, पीछे से जाके उन गोप बालकों को बुलाकर भोजन प्रसाद दे दे। तो उसने गोप बालकों को बुलाकर पीछे से जाके क्या किया, प्रसाद, अभी वहां यज्ञ चल रहा है, इससे पहले भोजन प्रसाद उसको दे दिया, किसको, गोप बालकों को। और वहां वो, तो यहाँ ये आगे और चौपाई में बताया कि सुंदर सा जी, तब ये ब्राह्मण याज्ञिक लोगों ने पहचाना नहीं था, उसकी पत्नियों ने पहचाना था, किसको, श्री कृष्ण जी के अंदर रहे जो अक्षरातीत की आवेश शक्ति विराजमान थी, ये परब्रह्म तत्व को उस पत्नियों ने पहचाना था। तो उसकी महिमा, उसकी शोभा का आज तक इस ब्रह्मांड में गुणगान गाया जा रहा है। और उसके आगे सुंदर साजी प्रसंग में हम देखें तो एक दिन उदयपुर के शहर के अंदर एक तालाब था, ताल था, वहाँ श्रीजी भी थोड़े सुंदर साथ को लेकर वहाँ गए और वहाँ चर्चा प्रारंभ कर दी। पास में एक निवास स्थान, एक हवेली लेकर वहाँ चर्चा श्रीजी ने प्रारंभ कर दी। और उसी समय राशि राणा भी वहाँ आते हैं और वो छुपके से, मतलब सामने नहीं आता है और दूर बैठ के, क्योंकि अपने पंडित लोगों ने राशि राणा का कान भर दिया था, मतलब निंदा चुगली करके कि भाई वो वैरागी लोग बहुत बुरे हैं, वो कोई ठग है, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर यहाँ आए हैं। तो इसी बातों को सुनकर राणा के अंदर डर बैठ गया था। तो दूर से श्री जी का दर्शन करते हैं और श्री जी वहाँ पास में हवेली लेकर कहाँ, ताल पर, और वहाँ चर्चा शुरू कर देते हैं। और चर्चा जब चलती है और श्री जी जब सब सुंदर साथ वहाँ बैठे हैं तो सुंदर साथ के अंदर श्री जी ने कुछ अवगुण दिखाई दिया। क्या अवगुण दिखाई दिया कि आपस में सुंदर साथ से अंदर जो विकार दिखाई दिए, अवगुण, क्या अवगुण दिखाई दिया, जो सुंदर साथ औरंगजेब बादशाह की कैद में थे, औरंगजेब बादशाह की कैद में थे, तब वहां से जब वहां हिंदू वेशभूषा उतार कर मुस्लिम वेशभूषा
धारण की थी, तो यहाँ कोई सुंदर साथ आपस में उसी को लेकर बात करने करते होंगे, और ऊंच नीच, गरीब और धनी, ऐसे कोई भेदभाव श्री जी ने देखा। कहाँ देखा? ताल पर। तो श्री जी ने क्या बोला कि तुम सब बस वैरागी वेश धारण कर लो। श्री जी ने आदेश दे दिया किसको? सब सुंदर साथ को कि तुम वैरागी वेश धारण कर लो, फकीरी वेश धारण कर लो। तो सब ने विरक्त वेश धारण करने की आज्ञा दी गई। और सबसे पहले श्री जी ने विरक्त वेश धारण किया, फकीरी वेश, सफेद वस्त्र धारण करके फकीरी वेश धारण किया, और सिर भी मुंडवाया, और सब सुंदर साथ का भी सिर मुंडवाते हैं और फकीरी वेश धारण करवाते हैं। और उसी के बाद वहां से चलने की तैयारी करे, इसी पहले वहां अव्वल खान आते हैं। कौन आते हैं? अव्वल खान आते हैं। अव्वल खान घोड़े पर सवार होकर आते हैं, और जब वहां से पास होते अव्वल खान तो श्री जी को जमात के साथ दूर से दर्शन करते हैं। कौन? अव्वल खान। और अव्वल खान जब दूर से दर्शन करते हैं तो उसके अंदर एक आश्चर्य पैदा होता है, और अव्वल खान नूर मोहम्मद को कहते हैं कि ये श्री जी इतनी बड़ी जमात के साथ आए हैं, उसकी मेरे को तू पहचान करवा, ये वैरागी कौन है और किस उद्देश्य से आए हैं और कहां से आए हैं, तुम मेरे को पूर्ण पहचान करवा। तब जाके नूर मोहम्मद पहचान करवाते किसको? अव्वल खान को। अव्वल खान को पहचान क्या करवाते? ध्यान से सुनिए आगे। अव्वल खान को ये पहचान करवाते हैं कि ये दीन इस्लाम के आशिक है, ये इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये निकले हैं। इतना नहीं, कुरान के अंदर जो साक्षियां लिखी है कि क्यामत का समय आएगा और क्यामत के समय इमाम मेहंदी आएंगे, वही इमाम मेहंदी के स्वरूप वो है। इतना नहीं, जो सात निशान की साक्षियां लिखी है वो सात निशान भी वो जाहिर कर रहे हैं, वही इमाम मेहंदी के वो स्वरूप है। इतना नहीं, कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने जब वसल्लम को जब दीदार हुआ और चौथे आसमान लाहूत में पहुंचे और खुदा ताला अल्लाह ताला के सामने जब रूबरू बातें की थी, वो खुदा ताला की आवेश शक्ति लेके जो ये प्राणनाथ जी आए हैं, वैरागी आए हैं, वो यही इमाम मेहंदी है, वही खुदा ताला अल्लाह ताला के स्वरूप है। इतना नहीं, वो खुदा ताला अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, जिसको कुरान में नूर जमाल कहा गया है, वही तो ये प्राणनाथ अक्षरा तीत है। ये सब जब जानकारी दिलाई, पहचान करवाई किसकी? श्री जी के बारे में नूर मोहम्मद ने किसको करवाई? अव्वल खान को। तो अव्वल खान को पूर्ण पहचान हो गई, क्योंकि उसके अंदर परमधाम का अंकुर था। वो तो गलित गात हो गया, प्रेम में भीग गया। और इतना नहीं, श्री जी के पास आके उस चरणों में, श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके चरणों में पूरा झुक गया, गिर गया। इतना नहीं, अपने हाथ में जो चाबुक था घोड़े पर मारने के लिए, जो हाथ में चाबुक था वो अपने शरीर पर मारने लगा। कौन? अव्वल खान। सुंदर साथ जी, ये अव्वल खान की पहचान तो देखो, ये अव्वल खान की पहचान तो देखो। अव्वल खान के अंदर इतनी बात अव्वल खान ने जब सुनी, तब क्या पहचान कर ली उसने। और हमने कितने धर्म ग्रंथों की साक्षियां भी सुनी होगी
कितने प्रमाण भी सुने होंगे, कितनी चर्चा, इतना नहीं ये वाणी की चर्चा भी हम कितने साल से सुनते आ रहे हैं, कितने कितने विद्वानों के गुरुजनों के मुख से सुनते आ रहे हैं, हमारे अंदर क्या पहचान बनी है। सुनिए आप सुंदर साहब जी, अभी तो अवल खान को बस नूर मोहम्मद ने थोड़ी देर के लिए तो पहचान करवाई, तब तो अपने सिर पर चाबुक मारने लगा अपने शरीर पर, और क्या अपने आप खुद क्या बोलने लगा कि हे अवल खान अपनी रूह को, हे रूह, हे जीव, तू इतने दिनों से और इतने समय से ये हादी, ये मेहंदी या इमाम या कहूँ या क्या कहूँ इसके बारे में, मेरे हादी श्री प्राणनाथ जी, इतना नहीं इमाम मेहंदी आज आ गए इस संसार में, और हे जीव तूने अभी तक पहचान नहीं की, तेरे लिए ये मेरा हादी आया है। अपने को वो धिक्कारने लगा, फिटकारने लगा, और उसी के बाद वहां सुंदरसा जी पट का भी काम चल रहा था, कहाँ का, पाताल से लेकर परम धाम का, और उसी समय मुकुंददासी सब श्री जी को दरोगा के रूप में, प्रबंधक के रूप में सेवा करवा रहे थे और सब लिखवा भी रहे थे। और इसी समय आगे हम इस प्रकरण की चौपाई को दोहराते हुए पटका काम भी चलता था, और इसी समय मुकुंददासी श्री जी को सब विषय वस्तु लिखवा रहे थे, और इस समय और पठान लोग वहां आते हैं, कहाँ आते हैं, उदयपुर ताल के किनारे पर जहाँ श्री जी हवेली में ठहरे हैं, जहाँ चर्चा चल रही है, और वहां पठान लोग आके क्या पूछते हैं श्री जी को कि तुम हमारे मोहम्मद सले अलैहि वसलम पर चर्चा करते हो, देखो तुम उस पर विश्वास लाए हैं तो हम भी आपके अनुयायी बन जाए। तब श्री जी के अंदर जोश आया, तब श्री जी के अंदर जोश आया जबराइल का, और क्या कहने लगे कि अरे पठान लोग, तुम मेरे और मोहम्मद के बीच में कौन हो, मतलब मेरे और मोहम्मद के बीच में आने वाले तुम कौन हो। श्री जी का क्या कहना था कि मोहम्मद भी मेरे अंदर है, रूहल्ला भी मेरे अंदर है, मेरे से कोई एक क्षण भी दूर नहीं है, और तुम मेरे और मोहम्मद के बीच का क्यों अंतराय कर रहे हो, क्यों दूरी बना रहे हो। तो ऐसे श्री जी के अंदर जोश आया, और आगे जब श्री जी चर्चा करते थे, चर्चा के बाद कई रास के किरंतन भी वहाँ गाने लगे, और सुंदर साध भी वहाँ रास के किरंतन गाने लगे, तो वहाँ राजा ये दूर से ये किरंतन सुन रहे, क्योंकि उस दिल में डर है कदाच मैं नजदीक जाऊँ तो उस सकंजमे में फंस जाऊँगा। तो यहाँ एक रास के किरंतन हम गा के सुनाए सुंदर साध जी के, वहाँ श्री जी रास के क्या किरंतन सुनाते होंगे, हम दो तीन चौपाई में गा के सुनाए। आवो बाला रामत रासनी कीजे, आवो बाला रामत रासनी कीजे, आपन कंठड़े बाहोड़ी कान लीजे, आपन कंठड़े बाहोड़ी कान लीजे, आवे सके मकरी लाव्या रे हो वालैया, अमाने थयो अति मोह मारा वालैया, खीण एक आमथी अलगान थाओ, आमे न खमा ई बिछो मारा वालैया, आवेस
वालो घणू लागे आवे स आमने वालो घणू लागे वे सरसाड अतिरंग मारा वालैया। सुंदर सा जी क्या किरणतन में भाव भरा हुआ है। मैं इस किरणतन का भाव भी मतलब बताना चाहती हूँ लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है। अंतिम चौपाई गा के बस मैं सिर्फ किरणतन सुनाऊं। कठण बीड़ा भिड़न कीजे रे हो वालैया कठण बीड़ा भिड़न कीजे रे हो वालैया मुंजाई हमारा स्वास मारा वालैया मुंजाई हमारा स्वास मारा वालैया। सुंदर साथ जी यहां जो योग माया ब्रह्मांड में एक एक सखी और एक एक कृष्ण के साथ बालाजी के साथ जो हमारी लीला हो रही है योग माया ब्रह्मांड में ये रास के किरणतन यहां श्री जी गा रहे सुंदर साथ सब गा रहे। राणा ने दूर से सुना और अंतिम बताया कि जितना अंकुर था दूर से क्यों सुना कि उसी के अंदर परमधाम का कोई अंकुर नहीं था जितना अंकुर था इतना ही सुख लिया जितना अंकुर था इतना ही सुख लिया। फिर अपने दरबार में वापस लौटे इनो दिल के शक रहे लाया ईमान अवल खाना 300 मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान उसके अंदर जितना ईमान था इतनी पहचान की और रोज अवल खान की मस्करी करते थे। क्या मस्करी करते थे राजा राजसी राणा कि अवल खान तू तो हे अवल खान तू तो मुस्लिम है और एक हिंदू वैरागी के चरण में तू गिर गया उसी पर तू विश्वास लाया ऐसे अवल खान की रोज मस्करी करते थे। और उसी समय एक अमराजी भी सुंदर साथ शामिल होते हैं और भी सुंदर साथ आते भोगीदास सब राज्य का दीदार करते हैं श्री जी का दीदार करते हैं। और महामती कहे मोमिनो ये तालाब करो याद फिर कहो उदयपुर की जो बीतक है बुनियाद। यहां धाम धनी महामती के स्वरों में क्या बता रहे कि हे सुंदर साथ जी मैंने तुमने एक घंटे तक उदयपुर की और उदयपुर के ताल पर की बीतक कही और आगे अभी अभी उदयपुर की बीतक खत्म नहीं हुई है पूर्ण नहीं हुई है तो आगे के प्रकरण में भी आप उदयपुर की बीतक सुनिए। फिर वहां से आए उदयपुर उतरे हवेली में साथ सब आए मिलिया सुख पाया मिलाप से। फिर श्री जी उदयपुर के ताल पर थे पहले झील पर थे वहां से चलकर श्री जी फिर कहाँ आए उदयपुर नगर में आए और वहां आके सब सुंदर साथ को मिलके वहां भी श्री जी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं और सब सुंदर साथ चर्चा भी सुनने लगते हैं और सब मिलकर इतना आनंदित और प्रभावित होते हैं। और आगे वहां सूरत से गोवर्धन भाई और दुली भाई उसकी पत्नी वहां आके श्री जी को मिलते हैं कहां उदयपुर में आके और श्री जी को मिलके श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और वहां दिल्ली और उदयपुर की बीतक भी सुनते घटनाक्रम को भी कौन ये गोवर्धन भाई और दुली भाई दोनों वहां सुनते हैं। और आगे प्रसंग सुंदर साथ जी और एक नया शुरू होता है। क्या प्रसंग है आगे के इसी समय औरंगजेब बादशाह कहां पर आया है राजस्थान में आया है। तो राजस्थान में आके उसने विचार किया क्या विचार किया कि चलो मैं उदयपुर पर आक्रमण करूं
तो उदयपुर पर आक्रमण करने का जैसे ही विचार किया, और मथुरिया नाम का एक दूत था, मथुरिया नाम का एक दूत था, उस दूत को बुलाया और दूत को संदेश सा देकर भेजा कि जाओ तो उदयपुर के राजा राजसी को ये संदेश देकर आओ, क्योंकि उदयपुर पर आक्रमण करना है। तो मथुरिया नाम का दूत अजमेर से ये आया और पुकारता आया, मतलब अंदर से इतना अहम लेके आया, और आके सीधे उदयपुर में राजा को संदेश भेजवाता है। क्या संदेश भेजवाता है कि हे राजा, तुम ऐसा करो, हमारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। देखो, हम आज 4-5 दिन से दिल्ली के तक सुनते आ रहे हैं कि उसी के अंदर ये लोग डर धमका कर और शरीयत का बल दिखाकर, शरीयत की डर दिखाकर कैसे अपने बल पर ये हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए, ये लोगों का एक तरीका देखिए आप। यहां भी क्या बोला राजा को कि तुम हमारा मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें 5 परगना, मतलब 5 ग्राम दूंगा। तो यहां जब ये जो मथुरिया नाम का दूत था वो सीधे गरीबदास पुरोहित को मिलता है, जो गरीबदास पुरोहित राजसी राणा का अंदर का एक ब्राह्मण था। तो गरीबदास पुरोहित को जब मथुरिया दूत मिलता है तो गरीबदास पुरोहित मथुरिया दूत को लेकर राजसी राणा के पास लेकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजसी राणा के पास लेकर दरबार में जाते हैं, और वहां जाके गरीबदास पुरोहित राजसी राणा के कान में क्या कहते हैं कि ये लोग लालच दे रहे हैं कि 5 परगना दूंगा तो हम क्या इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। तो यहां राजसी राणा ने क्या बोला कि अरे पंडित, तू आज ब्राह्मण हो, मैं अभी तुम्हें मार देता, तू मेरे दरबार का पुरोहित है, इसलिए मैं तेरे को छोड़ देता हूं, तेरी भलाई इसमें है, तू यहां से चला जा, तू ये क्या संदेश लेकर आया है। तब जब ये बात वहां पूरी दरबार में चल रही थी तो वहां मथुरिया दूत भी खड़ा था, वो भी औरंगजेब बादशाह का दूत था, तो अंदर अहंकार और अभिमान था, उसका थोड़ा अपमान हुआ तो वो भी वहां से चला गया, और चल के सीधा औरंगजेब बादशाह को मिलते हैं, और औरंगजेब बादशाह को सब यहां की बीती हुई बात बताते हैं। कौन? मथुरिया नाम का दूत किसको बताते? औरंगजेब बादशाह को। और यहां जब सब राज दरबार और पूरा नगर में एक बात फैल चुकी, क्या बात फैल चुकी कि उदयपुर पर औरंगजेब बादशाह आक्रमण करना चाहते हैं, तो यहां पूरा शोर मचने लगा। कहां शोर मचने लगा? राजसी राणा के दरबार में शोर मच गया, और वहां जो पंडित लोग थे, वहां जो पंडित ब्राह्मण लोग थे, उसने निंदा भी शुरू कर दी। किसकी? ये श्रीजी और सुंदर साथ की। ये लोगों का तो यही काम है, मैंने बहुत विस्तार से आपको इसी बारे में चर्चा बता दी। तो यहां जब राजा के पास पंडित लोगों ने निंदा शुरू कर दी, तब जब श्रीजी और सुंदर साथ को पता चला कि ये लोग हमारी निंदा शुरू कर दी है, तो श्रीजी ने एक कहलाया भेजवाया, एक कहल भेजवाया। किसके पास? राजा के पास। और राजा को बोला कि राजा, तुम चिंता ना करो, क्योंकि मैं औरंगजेब बादशाह के साथ मैं बात कर लूंगा, इतना नहीं मैं धर्म चर्चा भी कर लूंगा, आप डरो नहीं। किसने एक कहल भेजवाया? श्रीजी ने। और आगे जब ये राजसी राणा को पता चला कि पूरा औरंगजेब बादशाह का जो सैन्य है
पूरा आक्रमण करने के लिए तैयार है, तो उसने क्या किया? फिर एक संदेश कोतवाल के साथ भेजवाया कि जाओ तुम उन लोगों को बोलो, किसको? ये वैरागी लोगों को, कि थोड़े दिन के लिए ये शहर छोड़कर चला जाए। तब श्री जी ने फिर संदेश भेजवाया। क्या संदेश भेजवाया? कि नहीं, आप लोग ना डरो, हम उसके साथ लड़ लेंगे, आप क्यों डर रहे हो? तब जाके राणा ने बोला कि अरे भाई, औरंगजेब बादशाह का सैन्य बहुत बड़ा है, हमारे पास इतना ससान धन नहीं है, इतने शस्त्र अस्त्र नहीं है, हम कैसे लड़ पाएंगे? इतना नहीं, और आगे भी संदेश भेजवाया कि जाओ कोतवाल, वहाँ जाके कहो कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना धन संपत्ति भी हमारे दरबार में नहीं है कि इन लोगों का हम खाने पीने का, भोजन का हम सब वहन कर सके। तुम तो वैरागी लोगों को जाओ जाके बोल दो कि थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाए। तो फिर दोबारा कोतवाल आया। देखो श्री जी जहाँ बैठते हैं, मान लो हिंदू लोग के बीच में बैठते हैं तो वहाँ भी ये लोग, नहीं तो हिंदू वैरागी तो है, और मुस्लिम लोगों के बीच में बैठेंगे तो हमने देखा दिल्ली के अंदर भी ये प्रसंग को भी सुना, और यहाँ फिर कोतवाल के साथ संदेश भेजवाया कि तुम थोड़े दिन के लिए यहाँ से चले जाओ। तब फिर श्री जी ने बोला कि तुम चिंता ना करो राजा, हम सब कुछ बात उसके साथ कर लेंगे। तो फिर वहाँ पंडित लोगों ने फिर शोर मचाया, और क्या कहने लगे पंडित लोग, राजा हम कहते थे ने कि बुरे हैं लोग, वैरागी लोग बुरे हैं, ये महात्मा लोग ठग है, आप हमारी मानते नहीं थे, आप जल्दी से उसको बाहर काटो या वैरागी को लूट भी लो, उसको नगर से भी बाहर काटो या वैरागी को लूट लो। तब पास में भीमसेन राणा बैठे थे, पास में एक भीमसेन राणा बैठे थे, उसने क्या बोला राजसी राणा को, राजसी राणा ये सब कुछ सुन रहे थे, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब भीमसेन राणा ने बोला कि हे राजसी राणा, हम ऐसा नहीं कर सकते, उन वैरागियों को लूटेंगे, बाहर निकालेंगे तो पूरे समाज और संसार में हमारी बेइज्जत हो जाएगी, हम बदनाम हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, बेइज्जती बदनामी हो जाएगी तो ऐसा नहीं करना है। तो आगे सुंदर साथ जी, जब भीमसेन राणा ने ये कहा कि इन वैरागी लोगों को हम लूटेंगे या नगर से बाहर काटेंगे तो क्या होगा, हमारी बदनामी होगी, लेकिन यहाँ श्री जी के अंदर अंतः प्रेरणा हुई। क्या हुई कि चलो अब इन लोगों का विचार नहीं है बस, और मूल स्वरूप की अंदर से प्रेरणा भी हो गई कि तुम यहाँ से बस इस नगर से बाहर निकलो, तुम इस नगर से बाहर निकलो। तो अंतः प्रेरणा हुई तो श्री जी ने भी निश्चित कर लिया कि चलो यहाँ से अब निकलना ही है। तो सब सुंदर साथ को आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया कि यहाँ से हम निकल जाए, और उसी समय उदयपुर की चारों ओर, उदयपुर की चारों ओर पूरा औरंगजेब बादशाह के सैन्य ने घेर लिया, उदयपुर की चारों ओर किसने, औरंगजेब बादशाह के सैन्य ने पूरा घेर लिया। और श्री जी ने भी निश्चित कर लिया कि हमारे पास जो जो कीमती वस्तुएं है, वस्त्र है, आभूषण है, बर्तन है, ये सब ऐसा करो यहाँ ही हम बांट दे, क्या करें हम यहाँ ही बांट दे, साथ में लेके चलना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो श्री जी ने आदेश कर दिया, तो वहाँ सब जो कीमती वस्त्र थे, आभूषण थे, बर्तन थे, ये सब सुंदर साथ जी वहाँ बांटने लगे, कौन सब सुंदर साथ। और इतना नहीं, वहाँ जो महासिंह,
वहाँ के महासिंह थे, एक करके राजा के कोई व्यक्ति, उसको भी श्री जी ने बुलाया और सिरो पांव पहनाया। क्या पहनाया? बीच में और सुंदर साध भी जुड़ते हैं, मैं उसका नाम नहीं लिया। और महासिंह जब वहाँ आते हैं, उसको सिर से लेकर पांव तक का पूरा वस्त्र पहनाया। और ये भी नहीं, और जो सुंदर साथ ने राजा के दरबार के अन्य लोग जो थे, उस लोगों को भी बहुत से जो वस्त्र आभूषण ये सब थे वो भी पहनाया। और वहाँ से श्री जी सुंदर साथ को लेकर चल पड़े और महासिंह को क्या बोला कि हम आपके मुलक से जा रहे हैं, हम आपके मुलक से जा रहे हैं। इतना नहीं, आपका मुलक मतलब आपका प्रदेश वीरान हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि धामधनी का आदेश हो गया, हम यहाँ से हमको निकलना ही पड़ेगा। तो वहाँ सबको सिरों पांव पहनाया और हाथ में तुम्बा गुदड़ी, एक कद्रू का जो आता है वो जिसमें जल रखा जाता है, और हाथ में एक लाठी कुबड़ी मतलब लाठी, ये सब लेकर श्री जी सुंदर साथ के साथ चल पड़े मंदसौर की ओर। और रास्ते में सुंदर साथ जी जहाँ जहाँ सुंदर साथ के मिले, वहाँ सुंदर साथ भी जुड़ते गए। और सुंदर साथ जुड़ने के बाद कोई किसी ने पहले तारतम लिया, कोई किसी ने बीच में भी तारतम लिया, और इतना नहीं, कोई सुंदर शास्त्री जी के दर्शन मात्र से भी आनंद मतलब आनंद प्राप्त हुआ, सुख लिया। और वहाँ से चलकर दुधलाई और रामपुरा गांव से होकर श्री जी अभी मंदसौर पहुँचेंगे। लेकिन बीच में बताया कि जैसे ही उदयपुर की चारों ओर सैन्य ने घेर लिया, तो उदयपुर के लोग भी वहाँ से बाहर निकलकर पहाड़ों में छिप गए। उदयपुर नगर में भी इधर उधर सब छिपने लगे, तो सब सुंदर साथ का निकलना भी वहाँ निश्चित हो गया। तो सब सुंदर साथ श्री जी सहित दुधलाई से होते हुए रामपुरा पुर गांव से होते हुए अब मंदसौर पहुँचे। तो महामती कहे मोमिनो ये उदयपुर की बीतक, अब कहो मंदसौर की जो बीतक हुकम हक। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब तक आपने उदयपुर की बीतक सुनी, अब मैं आगे मंदसौर की बीतक कहने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। अब कहो मंदसौर की, आए उदयपुर से चल, जब औरंग चढ़ा राने पर हुआ मुलक चल विचल। यहाँ श्री जी उदयपुर से चलकर जब मंदसौर पहुँचे, तो यहाँ का धामधनी हमको प्रसंग वर्णित करवा रहे कि जब जैसे ही उदयपुर से मंदसौर पहुँचे, तो उदयपुर पर कौन किसने औरंगजेब बादशाह ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जैसा किया तो उदयपुर का पूरा राज्य उजाड़ और वीरान सा हो गया। और कब ये घटना घटित हुई, तो यहाँ धामधनी ने अगली चौपाई में बताया कि विक्रम संवत 1736 का समय पूरा हुआ और विक्रम संवत 1737 का समय शुरू हुआ, वो पूर्ण हुआ। और जब ये समय शुरू हुआ, 37 का समय शुरू हुआ, तब श्री जी मंदसौर में पहुँचे। और वहाँ जाके श्री जी ने जो वैरागी वेश, फकीरी वेश, विरक्त वेश, सफ़ेद वस्त्र धारण किए। तो हम सुंदर साजी श्री जी का चार पांच चौपाई में जो सुंदर अवलौकिक स्वरूप धारण किया है, ये हम चौपाई के माध्यम से देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन समय फकीरी का भेक धरा अनूप, शोभा अच्छब स्वरूप की वारो कोटक रूप। ऐसे समय में श्री जी ने इतना सुंदर
अवलौकिक स्वरूप धारण किया कि उसी स्वरूप की बराबरी इस संसार में चाहे कोई करोड़ों रूप धारण करे, स्वरूप धारण करे, तो श्री जी की बराबरी नहीं कर सकेंगे। ऐसा अवलौकिक सुंदर स्वरूप श्री जी ने धारण किया। सुंदरसा जी, इस स्वरूप का जब हम वर्णन सुनेंगे ने आगे, तो ये स्वरूप में जो वर्णन में जो जो घटनाक्रम में वर्णित होगा, तो आज मैं जब ये पढ़ रही थी तो मेरे को सागर ग्रंथ के चौथे सागर दधि सागर के अंदर जो राज्य का तीन श्रृंगार, श्यामा जी का दो और सुंदर सात का एक श्रृंगार वर्णित किया गया है धामधनी ने, ये याद आया। तो मैंने सोचा कि उसमें जो राज्य का कैसा श्रृंगार है, तो वो श्रृंगार के महसूस मेरे को यहाँ, मतलब ये प्रसंग जब पढ़ रही थी तो अंदर ये महसूस हो रहा था कि धामधनी ने इस ब्रह्मांड में भी कैसा ऐसा अवलौकिक सुंदर रूप स्वरूप धारण किया है। वैसे श्रृंगार तो महाश्रृंगार है, उसमें नक्शे शिख तक का स्वरूप धामधनी ने धारण किया है, लेकिन यहाँ भी इस ब्रह्मांड में राजी ने कैसा अवलौकिक सुंदर स्वरूप धारण किया है। तो पहले गोटा सोबे सिर पर ऊपर कन ढपी, दो ये पुरत लोई धागे भरी, ये पहनते टोपी। श्री जी के सिर पर गोटा एक कपड़ा कितना सुंदर शोभायमान हो रहा है, और दोई परत वाली ऊन की धागे से बनाई हुई कनढप्पी, ऊपर जो कपड़ा है और कानों को ढकती हुई एक कनढप्पी भी उनसे उन्हीं के दोरों से धागों से बनाई हुई कितनी सुंदर लग रही है, और अति सुंदर तिलक बनियो दोई रेखा बीच बिंद। और श्री जी ने जैसे परमधाम में भी सखिया, आज मेरे को विचार था कि उसी प्रसंग में मैं थोड़ा विस्तार से श्री जी के स्वरूप का वर्णन करूंगी, लेकिन समय के साथ में ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा कहूँ कि जब हम त्रिजी भौम में सुबह जब 5 बजे आ जाते हैं और दोपहर के बाद 3 बजे तक हमारी जब लीला रहती है तीसरी भौम की, तो 5 बजे जब आ जाते हैं श्री जी पशु पक्षियों को तीजी भौम की पड़साल से चांदनी चौक में कैसे प्रेममयी अमृतमयी नजरों से सिंचन करते हैं, इतना नहीं अक्षर ब्रह्म को भी चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जब खड़े हैं तो तीसरी भौम से दर्शन भी देते हैं। उसी के बाद हमारा जब बाल भोग चलता है, श्रृंगार होता है, कहाँ तीसरी भौम की पड़साल में, वो जो तीसरी भौम की पड़साल आगे 10 मंदिर की लंबी जो दहलान पड़साल जो जरोखा बना हुआ है उसी के अंदर, फिर 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा जो दहलान बना है उस दहलान में राज्य का श्रृंगार होता था। उस दहलान के आगे फिर 1 मंदिर का जो चबूतरा बना है उस चबूतरे पर हम सुबह को बाल भोग आरोपते थे, और आसपास में भी कोई सखिया परसाल में कोई सखिया जरोखों में बाल भोग आरोपती थी। और इतना नहीं, इस चबूतरे से हम जब 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो 28 स्तंभ का चौक आएगा। 28 स्तंभ के चौक में दक्षिण दिशा में जो आसमानी रंग का मंदिर है उसमें श्यामा जी का श्रृंगार होता था। राज्य का 4 मंदिर के दहलान में होता था, श्यामा जी का आसमानी रंग के मंदिर में होता था। तो 4 सखिया राज्य को श्रृंगार कराती थी और 4 सखिया श्यामा जी को श्रृंगार कराती थी। ये कहाँ होता था श्रृंगार? तीसरी भौम की पड़साल में, रंग महल में। तो यहाँ भी राज्य जब सखिया, मैं सुबह को ये चिंतन कर रही थी कि सखिया कैसे दहलान में राज्य को तिलक लगा, और इतना नहीं तिलक की
अर्स मिलावा ले चले, अर्स मिलावा ले चले अपने संग सुभान, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान। केहा चाहिया सब दिल का, केहा चाहिया सब दिल का, आगो आए लिए मेहरबान, अर्स मिलावा ले चले, अर्स मिलावा ले चले अपने संग सुभान, अपने संग सुभान। तो जो हमने चबूतरा देखा एक मंदिर का लंबा चौड़ा, तो वहां से जब तीन सीढ़ियां नीचे 28 स्तंभ के चौक में उतरती है तीसरी भूम में, ठीक है, वो नौ भूम तक ऐसी शोभा बनी है। तो एक चबूतरे से एक सीढ़ियां यहां से राज्जी के साथ जो सखिया का थोड़ा जूथ है, मानो 40 जूथ लो तो 20 इधर की ओर, 20 श्यामा जी की ओर, ठीक है, 20 इधर की ओर राज्जी की ओर, 20 जूथ उधर की ओर। तो चबूतरे से एक सीढ़ी नीचे उतरते है इसी ओर जूथ, और वहां से श्यामा जी को सिंगार करके जब आते 28 स्तंभ के चौक के अंदर, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते, बीच का जो सीढ़ी है, बीच की जो सीढ़ी है वहां मिलन होता है। तो यहां तब यहां यह क्या बताया कि श्री जी यहां भी जब तिलक लगाया हुआ है, कहां दिलवट में, भाल में, और दोनों रेखाएं सीधी चली गई है, बीच में एक बिंदी है, वो गोपी चंदन का तिलक है। यहां श्वेत रंग के गोपी चंदन का तिलक लगाया है और श्री जी का मुखारविंद चंद्रमा के समान इतना सुंदर लग रहा है। जो श्रवणी शोभे कानो मीने, दोई बाले कंचन के अत राजत छवि प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। इतना नहीं, श्री जी ने दोनों कानों में श्रवणी पहरी है, यहाँ सोने के दो बाले भी पहने हैं, क्या कंचन रंग के अत राजत सब छवि प्यार की। श्री जी की शोभा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वैरागी वेशभूषा से श्री जी को बहुत लगाव हो गया है। यहाँ सुंदर साथ जी ये शोभा को सुनते हुए आपको विचार आएगा कि श्री जी ने कोई एक मत पंथ की ही वेशभूषा धारण की है, लेकिन सुंदर साथ जी यह एक मत पंथ की वेशभूषा नहीं है। श्री जी ने जो कंडपी जो पहनी थी ना, ऊपर एक कपड़ा गोटा और कंडपी, ये कबीर पंथ की, ये कबीर पंथ की, कबीर पंथ में पहनी जाती है। और श्री जी ने जो तिलक, और आगे आएगा वर्णन के, गले में तुलसी की कंठी और चार माला, ये सब जो वेशभूषा है ये वैष्णव संप्रदाय की ली है। और जो कानों में बाले और सवनी पेरी है वो गोरखनाथ नाथ पंथ के योगियों की है। और श्री जी ने जो सिर मुंडवाया वो सन्यास मत की है। और आगे सिर मुंडवाया ये सन्यास मत की, और हाथ में गुदड़ी का जो प्रयोग करते हैं वो भी नाथ पंथ की है। और जो मेखली धारण की है वो उदासीन वैष्णव और अन्य संतों के लिए है। तो श्री जी ने कोई एक मत पंथ का नहीं लिया, सब मत पंथों की एक प्रतीक के समान, चिन्ह के समान शोभा धारण की है। और आगे बताया कि पहनी कंठी गले में, श्री जी ने एक तुलसी की कंठी धारण की है और चार बड़ी बड़ी लंबी माला भी धारण की है। इतना नहीं, उसने एक चोला जो जामा भी घुटने तक का
इतना सुंदर धारण किया है, ऐसी छवि इस ब्रह्मांड में कहीं पर नहीं है। इतनी सुंदर छवि श्री जी ने धारण की है और हाथ में गुदड़ी जो सुंदर सात के पुराने वस्त्रों से बनाई हुई गुदड़ी और जल पात्र का तुम्बा भी श्री जी ने हाथ में धारण किया है। एक शैली गड़े में एक कंठी भी धारण की है, इतना नहीं हाथ में एक सुमिरनी एक माला भी धारण की है और ऊपर धोती अंगोछा आधी धोती पहनी है और आधी धोती खंभे पर टांग दी है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप श्री जी ने धारण किया है, ऐसी सब छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, ऐसी छवि इस ब्रह्मांड में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देखी। ऐसा अवलौकिक सुंदर स्वरूप श्री जी ने धारण किया, एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, इतना नहीं एक जल पात्र तुम्बे का श्री जी ने जो रखा एक हाथ में है और एक कमर में रखा है, और जो अन्य चीज वस्तुओं की जरूरत पड़े ये अपनी छोटी सी थैली में रखकर कमर में पीछे टांग दी है, कमर में पीछे रखा है। पहनी पाँव में पनही चलत चटकती चाल, और श्री जी ने पैरों में जो खड़ाव पहना है और कैसे लटक मटक चाल से चलते हैं श्री जी, इतना नहीं आस पास में सुंदर सात की जमात चल रही है। राज जी यहां क्या याद दिला रहे परम धाम की कि जब तुम तीन बजते थे ना परम धाम में, तब तीन बजे जब नीला न पीला मंदिर में आप जाते थे तो वहां रोज राज जी पूछते थे कि सखिया आज किस पक्ष में जाना है, सखिया आज किस पक्ष में जाना है। तो हम रोज नए नए पक्ष की नए नए जगह की लीला विहार स्थान की शोभा का रोज हम बोलते थे कि धनी आज तो हमको पश्चिम की चौगान की ओर ले चलो, या फुलबाग नूरबाग की या पास में तो है रंग महल की पश्चिम दिशा में, नीचे नूरबाग है, बच्चों आवाज न करो, नीचे नूरबाग है ऊपर फुलबाग है और इसी के आगे अनवन दुबदुलीचा और पश्चिम की दिशा में पश्चिम का चौगान आया है। तो राजी जब मध्य रात्रि का स्वरूप में भी बताते हैं कि जब हमारी सवारी निकलती थी, जब हमारी सवारी निकलती थी घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त कमी ना करे कछु उड़ते, सुख असवारी की अतंत असवारी पशु पंखियनों पर धनी करत है जब, जो जहाँ बसत है सो आय मिलत है सब, असवारी पशु पंखियनों पर धनी करत है जब, पहली हार के सिरन की दूजी हार बघन हार तीसरी श्यागोश की चौथी हार चितन असवारी पशु पंखियनों पर धनी करत है जब। जब सुंदरसा जी गाने का तो बहुत मन होता, मतलब बहुत सी चौपाइया लेकिन कैसे करे समय साथ नहीं देता, बस इतना ही समझ लो कि जब कई बार हम बाघ पर कई बार शेर पर कई बार और पशु पक्षियों पर और कई बार सुखपालों में 6000 सुखपालों में एक एक सुखपाल में दो दो सखिया, कई बार बड़े तख्तरवे में हम 12000 सखिया, बीच में राजी श्यामा जी बैठे सिंहासन पर 12000 आसपास में, तख्तरवा भी कैसा जहाँ से आपको इच्छा हो वहाँ से तख्तरवा खुल जाता, वहाँ से सीधी सीढ़ियाँ नीचे उतर जाती और कहीं भी इच्छा हो चालू जब तख्तरवा है तो भी हम लीला के रूप में सुंदरसा जी इच्छा होती तो हम जब घर से निकलते मतलब रंग महोल से निकलते जब
अग्नि कोने से मरोर लेते हुए बट पीपल की चौकी के ऊपर कोई नीचे के पशु पक्षी नीचे पशु जानवर नीचे कोई ऊपर के पशु पक्षी आसमान में सवारी करते हुए कोई कोई दाहिनी ओर कोई बाहिनी ओर कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे जब सवारी में हम निकलते हैं और पश्चिम की चौगान की ओर जाते हैं तो पश्चिम की चौगान इतनी बड़ी है कि जहाँ पूरा मैदान ही मैदान खुला है वहाँ कोई पेड़ या कोई बगीचे ऐसी कोई शोभा नहीं बनी है। इस पश्चिम की चौगान में जब शेर बाघ चीते दीपड़े जैसे सुअर ऐसे कई मतलब कई पक्षियों का पशुओं का धामधनी ने परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से बताया है कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो कैसी वहाँ लीला होती है। तो यहाँ धामधनी ने बताया कि सुंदर साथ जी श्री जी ने जब चरण में खड़ाव पहनी है और कैसे लटक मटक चाल से वो चल रहे और आसपास में सुंदर साथ चलते चलते परम धाम की इस लीला को याद करते हैं कि धनी परम धाम में तुम कैसे इच्छा जैसी होती थी जैसी इच्छा होती थी वहाँ सब चीज़ें हाजिर हो जाती थी और कैसे हम परम धाम के अनंत सुखों में अनंत प्रेम में डूबे थे। आज धामधनी कैसी विचित्र लीला इस ब्रह्मांड में हो रही है कि हम सब आज धनी तुम भी पैदल चलकर और आपको भी फकीरी वेश वहाँ कैसी साहेबी थी और आज यहाँ कैसा फकीरी वेश धारण करना पड़ा है। वहाँ परमधाम के नौ भोम और दसवीं आकाशी और एक एक भोम में हमारा एक एक मंदिर एक एक मंदिर में कितनी अलमारियाँ एक एक अलमारी में हमारी कितनी साड़ियाँ कई कई रंगों की कई कई रंगों के नेकलेस ब्रेसलेट या अनंत वस्त्राभूषण और इतना नहीं कितनी वहाँ सामग्रियाँ वहाँ हाजिर रहती थी और आज धामधनी यहाँ हाथ में तुम्बा है पैरों में खड़ाव और सफेद वस्त्र और चलकर तो धामधनी यहाँ परम धाम की लीला की याद दिला रहे कि सुंदर सात जी ये इस ब्रह्मांड में आपकी परीक्षा हो रही है ईमान की और इश्क की ये परीक्षा हो रही है। और आगे जब सुंदर साथ ने ये श्री जी की अनुपम अवलौकिक शोभा देखी तो उसी के अंदर कोई साथ में फकीरी वेश धारण करने का कोई दुख ही नहीं था अंदर बस आनंद ही आनंद उत्साह ही उत्साह था क्योंकि उसने खेल मांगा था ने किसने हम सब ने। तो यहाँ धनी को याद दिला रहे कि धनी हमने खेल मांगा था आपने इसलिए दिखाया है तो हमारी जो खेल देखने की ब्रज में इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी रास में नहीं हुई थी तो आप जागनी के ब्रह्मांड में लाए जागनी के ब्रह्मांड में पांचवें दिन में आप हमारी इच्छा को पूर्ण कर रहे हो क्या। तो यहाँ सखियाँ भी इतनी आनंदित है ये सखियाँ कौन थी हम ही तो थे ये सखियाँ हम ही तो थे। तो सब सुंदर साथ चल रहे और साथ में बाजूराज जी बाजू महारानी जी ने भी एक सन्यासिनी जैसा वेशभूषा धारण किया है और सब सुंदर साथ को कितना प्रेम करती है कितना आत्मिक प्रेम भाव रखती है सबके प्रति एक समान भाव से वो व्यवहार करती है क्योंकि परमधाम की वाहिदत और परमधाम की अमलावती की आत्मा बैठी है उसी के अंदर। और इसके बाद क्या लीला घटित होती है वहां से सुंदर सा जी आगे जब हम चलते हैं तो रामपुरा गांव और वहां चारण का गांव है चारण मतलब जो गाने गाने वाला गाना गाने वाला उसको कहते हैं चारण और वहां हम जब पहुंचते दुधलाई से आगे और रामपुरा गांव से आगे जो चारण का गांव है वहां हम जब पहुंचते हैं तो वहां पूरणमल चारण रहता है
वो गांव का मुखिया है, प्रमुख है, और उसकी माता भी वहां साथ में रहती है। तो उसी के समय एक और प्रसंग घटित होता है। क्या घटित होता है कि तब वहां के राजा के भाई जो बेरी साल, उसके अंदर दृष्टि बदल गई, मतलब बुरी नजर की उसने कि इन वैरागियों जो इन लोग आए हैं, इन वैरागियों को मैं लूट लूं, इन वैरागियों को मैं लूट लूं। तब जब ये चारण पूरणमल चारण की माता को पता लगा कि बेरीसाल ने बुरी दृष्टि की है इन वैरागियों पर, तो वो सीधी कहां पहुंची? श्री जी के पास, सुंदर सात के पास, और बेरीसाल को क्या बोला कि हे बेरीसाल, तू यहां से सीधे जैसे आया हो वैसे ही निकल जा, नहीं तो मैं तेरी गधे की तरफ पिटाई करूंगी, इतना नहीं मैं तेरे को मार दूंगी, या जो तू मेरे को मारेगा, मतलब मैं तेरे को मार दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी, इतना नहीं मैं मरने के बाद भी गुना आरोप भी तेरे पर मैं रखूंगी कि भाई उसने मेरे को मारा है, इससे अच्छा यही है कि तेरी भलाई इसमें है कि तू यहां से निकल जा। तो यहां चारणमल की, पूरणमल चारण की जो माता जी थी, उसने श्री जी की उपली पहचान की थी, लेकिन उसका अंदर का बल देखो, वो बेरीसाल के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गई। और उसके आगे सुंदर साजी श्री जी वहां का प्रसंग पूर्ण करके श्री जी रामपुरा गांव से, पूरणमल चारण के गांव से मंदसौर आते हैं, और मंदसौर में आके श्री जी हरि प्रसाद के वहां ठहरते हैं, और हरि प्रसाद के वहां जब ठहरते हैं और वहां चर्चा भी प्रारंभ कर देते हैं, और वहां जब चर्चा शुरू होती है, और तब वहां दौलत खान पठान आता है, और भी पठान लोग वहां आते हैं, और पठान लोग जब आते हैं तो दौलत खान पठान श्री जी के चरणों में जब प्रणाम करते हैं, तो उसको श्री जी पर ईमान आ जाता है, और श्री जी पर ईमान आने के बाद वो बिना एक मोहम्मद उसी के अंदर ऐसा जोश आता है कि वो बिना एक मोहम्मद बस अंदर से बस निरंतर वही पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि बिना एक मोहम्मद। और उसी समय दौलत खान पठान के साथ और भी पठान लोग आते हैं, और वहां सुंदर सात सनंद की वाणी का गायन शुरू कर देते हैं, तो वहां से और भी पठान लोग आने लगते हैं, और जैसे ही सनंद की वाणी का गायन शुरू कर दिया तो पूरा उसी समय पूरा मंदसौर की चारों ओर औरंगजेब बादशाह के सैन्य ने घेर लिया है। और इसी समय कृपा राम भाई पत्र लेके आते हैं। क्या पत्र लेके आते हैं? उदयपुर से। जब श्री जी उदयपुर से निकले तब सब सुंदर सात को बोले कि सुंदर सात जी, मैंने अभी पूर्व चर्चा में आपको बताया कि सुंदर सात जी, मैं आपके मुलक से, मतलब आपके प्रदेश से जा रहा हूँ, यहाँ का पूरा प्रदेश वीरान हो जाएगा, सूखा रेगिस्तान हो जाएगा। तो यहाँ श्री जी ये बात जोड़ रहे कि जब मैंने बोला था कि सुंदर सात तुम निकल जाओ, तब सुंदर सात कोई वहां से निकले नहीं। और पीछे से उदयपुर पर जब औरंगजेब बादशाह ने चढ़ाई की तो सब सुंदर सात आसपास जब छिप गए, और नगर में भी इधर उधर छिप गए, तो यहाँ कृपाराम भाई आए और आके सुंदर सात की जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी कि वहाँ पहाड़ों में कैसे सुंदर सात रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कैसे प्रार्थना और आजीजी कर रहे हैं, तो ऐसा दुख भरा समाचार कृपाराम भाई ने श्री जी को दिया। तो श्री जी ने
जब कृपाराम भाई की पत्री सुनी कि ओ सुंदर सात इतना दुखी है, क्या पहाड़ों में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तो इसी समय श्री जी के अंदर जो इंद्रावती की आत्मा बैठी थी, महामती जी ने मूल मिलावे में ध्यान किया। क्यों ध्यान किया? वैसे तो सुंदर सात जी हमारा जैसा ही एक पंच महाभूत का मिराज ठाकुर का तन है, उसी के अंदर अक्षरातीत की आवेश शक्ति लीला कर रही है, पांचों शक्तियां विराजमान है। जिस तन में मूल स्वरूप का आवेश विराजमान हो, उसी तन को कोई अर्जी या प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो तन भी हमारे जैसे पंच महाभूत का है, उसको भी धूप शीत वर्षा सब सहन करना पड़ता है। तो यहाँ इस प्रसंग से क्या बताया कि वो तन की भी एक मर्यादा होती है। तो जो तन महाराज ठाकुर का था, उसी तन में इंद्रावती की आत्मा बैठी थी। तो यहाँ आत्मा तो दृष्टा के रूप में है, आपको ये भी प्रश्न खड़ा होगा, यहाँ आत्मा तो दृष्टा के रूप में है, जीव और अंतस्करण इंद्रियों के माध्यम से जीव कार्य करता है। तो यहाँ अंदर से जो प्रार्थना की गई, किस लिए? कि सुंदर सात पर आए हुए कष्ट का निवारण करने के लिए, निवृत्ति के लिए महामती जी ने मूल मिलावे में मूल स्वरूप का ध्यान किया, युगल स्वरूप का ध्यान किया। और क्या किया कि हे धनी, हमारे सुंदर सात रो रहे बिलख रहे पहाड़ों में, उसकी कष्ट की निवृत्ति के लिए आप कुछ करिए। तब श्री जी ने किरंतन ग्रंथ के, यहां पांच किरंतन लिखे हैं लेकिन छह किरंतन का अवतरण हुआ, प्रकरण नंबर किरंतन ग्रंथ का प्रकरण नंबर 35 से लेकर 40 तक का। उसी में हम, आज मेरी इच्छा थी कि उसी पर भी मैं चर्चा लूंगी, लेकिन सुंदर साथ जी मैं तीन प्रकरण का एक एक चौपाई लेकर मैं चर्चा बताऊं कि क्या प्रकरण उतरे कि जिसका पाठ करके हमारे अंदर सुंदर साथ जी, हमारे ऊपर कोई संसार का लौकिक कष्ट या दुख या कोई विपत्ति के समय जो हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा से जो पाठ करेंगे ने, तो लौकिक कष्टों से निवृत्ति होगी। तो ये 35 से 40 तक का जो प्रकरण है किरंतन ग्रंथ का, उसमें पहला प्रकरण है, वालो वृह रस भीनो रंग वृह मा रमाड़तो वासना रुदन करे जलधार आप ओलखावी अलगो थयो अमथी जे कोई होती तामस्य सिरदार। वालो वृह रस भीनो रंग वृह मा रमाड़तो, हे अक्षराती, हे प्राणवल्लभ, हे प्राण प्रियतम, तू अपनी अंगनाओं को, मतलब हम तेरी अंगनाएं हैं, हम तेरी आत्माएं हैं, हम तेरी लाडलियां हैं, हम तेरे से एक क्षण अलग नहीं है। हे धामधनी, आप अपनी आत्माओं को ऐसे विरह में डूबे, विरह का ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल बनाया, और इतना नहीं, इस विरह रस में डूबो कर आप अपनी आत्माओं को ये पहाड़ों में अलग अलग, ये सब जो आत्माएं हैं ये रो रही है धनी, ये बिलख रही है, उसी की ओर तो आप देखिए, उसी पर कितना कष्ट है, कितना दुख आया है धनी। धाम के अंदर हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि इतना कष्ट इन आपकी सब आत्माओं को भुगतना पड़ रहा है अभी। और आगे बताया कि तुमने तामसिया सखिया को ये खेल दिखाकर और आप हमारे बीच से ओझल हो गए। और दूसरे प्रकरण की, हारे वाला बंध पड़िया बल हेरिया तारे फंदड़े बंध बिना जाए बांधियो हार रोइए पड़िए पछताइए पर छूटी नहीं जे लागी लार कतार। हारे वाला बंद पड़िया बल हेरिया, हे धनी,
हम सब आत्माएं हे प्राणवल्लभ, हम सब आपकी प्रियाएं ऐसे यहाँ माया रूपी बंधन में ऐसे बंध गई है, कई करोड़ों बंधन में हम बंधी हुई है। इतना नहीं, यहाँ सुखी रेगिस्तान रूपी धरती, जैसे एक संसार की धरती को सुखी रेगिस्तान कहा गया, इस संसार की सुखी रेगिस्तान रूपी धरती में हम इधर उधर बिलख रही है, रो रही है। अरे वाला, इतना नहीं, हम यहां रो रही है, फिर क्या बताया कि रोइए पड़िए पछताइए। हम कई प्रकार से यहां दुखी है। इतना नहीं सुंदर साथ जी, आगे भी सखिया क्या बता रही है कि धाम के धनी, हमने ऐसा क्या कार्य परम धाम में किया था कि आज हमारे पर इतना कष्ट आया। आप इस कष्ट से निवृत्त कीजिए और आज सब ब्रह्मात्माएं पंक्ति बंद कतार में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये सब सखिया पंक्ति बंद कतार में ये बंधन में बांधी जा रही है। इतना नहीं, और भी दूसरे प्रकरण की चौपाई में भी बताया कि धनी, आपकी पहचान के बाद तो हम आपके बिना यहाँ कैसे रह पाती। इस शरीर को धिक्कार है, आपके बिना इस शरीर को धिक्कार है। ऐसे जो किरंतन ग्रंथ के वालो व्रू रस भीनो रंग व्रू मारमार, तो वहां से लेकर धाम माहे धनी हम ऊंचू के मजोसु पहो से पवाड़ा पर आत्म मजार, वहां तक के छह प्रकरणों की माध्यम से इंद्रावती के धाम दिल में ये प्रकरण प्रस्फुटित हुए, ये प्रकरण उतरे। और आगे इसी प्रसंग में सुंदर सा जी हम जाए कि इन समय जब ये प्रसंग पूर्ण हुआ तो इन समय इब्राहिम श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं और आके श्री जी के चरणों में झुककर जैसे ही प्रणाम किया और प्रणाम करके उसी के अंदर इतना आनंद भर गया, इतना वो प्रभावित हुआ और अंदर उत्साह से उसका दिल भर गया और श्री जी को बोलने लगा कि श्री जी, बस मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, बस आपका चरण कमल ही मेरा आधार है, उसी के बिना मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, ऐसे वो बोलने लगे। तब लालदासी वहाँ बैठे थे तो लालदासी को ऐसे लगा कि चल मैं भी इब्राहिम को मिलकर थोड़ी कुछ कुरान संबंधी बात को भी रखो। तब लालदास जी ने इब्राहिम को पूछा कि हे इब्राहिम, तू कुरान संबंधी हमको थोड़ा कुरान के सिपारे को हिंदी में अनुवाद करना है, क्या तू ये काम कर देगा? तब इब्राहिम ने बोला कि हाँ। इतना सुख हुआ और पढ़ा जब इस सूरत को तो पता चला कि उसमें तो हमारी व्रज रास और जागनी की बातें हैं। चलो तो इससे तो हमारा काम बन जाएगा। अब आगे आने वाले सुंदर सात को समझाने भी सरलता बन जाएगी, क्योंकि हमारे सुंदर सात के अंदर जो संशय बना है ने कि ये मुसलमान लोग का कुरान है, हमारा तो वेद उपनिषद भागवत गीता या अन्य जो धर्मशास्त्र हिंदू ग्रंथ को लेकर है यही हमारा है, ये तो कुरान हदीसा ये सब तो मुस्लिमों का है। तो यहाँ श्री जी के अंदर इतनी खुशी हुई कि चलो ये सूरत का जब अर्थघटन हुआ अनुवाद हुआ तो इससे तो हमारा बहुत बड़ा काम होगा। तो फिर श्री जी ने लालदासी को बोला कि लालदासी तुम ऐसा करो, क्या करो कि हे लालदासी तुम ऐसा करो, इब्राहिम को बोलो कि
के और आगे सिपारे का अर्थ गठन कर दे, अनुवाद करे। तब इब्राहिम बैठ गया और आगे और भी अनुवाद किया। तो श्री जी जैसे पढ़ते गए उसको जब सुनते गए तो उसी के अंदर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि परम धाम की सब साक्षियां मिलने लगी, क्योंकि कुरान के अंदर हमारी सब साक्षियां थी। फिर लालदास जी ने एक लोभ भी दिखाया, एक लालच भी दिखाई, किसको? इब्राहिम को, कि इब्राहिम तेरे को हम पैसा दे देंगे, ऐसे कोई फ्री में हम काम नहीं कराएंगे। तो जब ये लालच दी, लोभ दिया, तो इब्राहिम पूरा सिपारे का अर्थगठन करने में पूरी तरह ध्यान देने लगा। और एक संध्या समय, एक दिन संध्या समय से इब्राहिम इस सिपारे का अर्थगठन करने लगा, अनुवाद करने लगा। तो सुबह तक इब्राहिम और लालदासी दोनों बैठकर सुबह तक करते रहे, और सुबह जब हुई तो लालदासी अपने निवास स्थान पर स्नान आदि के लिए गए, इब्राहिम अपने घर गए। और तब 16वें सिपारे का, 17वें सिपारे का, 18वां सिपारा और 19वें सिपारे का भी अर्थघटन हो गया। और दूसरे दिन फिर इब्राहिम आया, फिर 36वें सिपारे की, दूसरे दिन जब इब्राहिम आया तो 30वें सिपारे की 36वीं सूरत का भी वर्णन हुआ। फिर प्रथम सिपारा अलिफ लाम और मीम से शुरू हुआ। फिर प्रथम सिपारा जब अलिफ लाम और मीम से शुरू हुआ, उसके बाद ध्यान से, उसके बाद दूसरा सिपारा खत्म हुआ, तीसरा भी खत्म हुआ, चौथा भी खत्म हुआ। जब 5वें सिपारे का अनुवाद करने के लिए इब्राहिम जब आगे बढ़ा तो उसके मन में पाप आ गया। वैसे तो जब बीच में अनुवाद कर रहे थे तभी भी उस दिल में संशय तो बना ही था, बीच में जब अमुक सूरतों का जब अनुवाद किया तब श्री जी को बोला कि ये कोई अनपढ़ रावसी व्यक्ति ने ये लिखा है, तब श्री जी ने बोला कि अरे इब्राहिम तू ऐसा गलत क्यों बोल रहा है, तू फिर दोबारा पढ़, कोई रावसी, क्योंकि इब्राहिम सुन्नी मुसलमान था, तो वो सिया को रावसी कहते थे और सिया उसको खाइज कहते थे। तो यहाँ दोनों के बीच में जो सिया मुस्लिम का दो मुख्य है, शिया और सुन्नी, तो यहाँ सुंदरसा जी ये बताया कि उसने क्या बोला कि रावसी मतलब अनपढ़ लोगों ने कोई ये लिख दिया है। तब श्री जी ने बोला कि हे इब्राहिम तू दोबारा पढ़, कोई रावसी नहीं, उसमें तो मोमिनों की सिफत है, मोमिनों की प्रशंसा है, उसमें तो परम धाम का वर्णन है। क्योंकि वो क्या मानता था कि परम धाम की आत्माओं का संदेश या पवित्र पुकार को खुदा ताला स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन श्री जी ने यहाँ बोला कि भाई ये तो परम धाम की आत्माओं की सिफत की बात है, प्रशंसा की बात है, तुम आगे बढ़ो। तो यहाँ फिर इब्राहिम के दिल में पाप आ गया, उसकी नियत बुरी हो गई, उस दिल में विचार आया कि अरे मैं मुस्लिम होकर इन लोगों को कुरान का हिंदी में अनुवाद करवा रहा हूँ, इन लोगों का कुरान का हिंदी में अनुवाद करवा रहा हूँ, चलो ये तो गैर मुस्लिम है, मतलब ये हिंदू है, उनको ये देना ठीक नहीं है। तो वहाँ झगड़ा मचाने लगा। जब झगड़ा मचाने लगा, और इतना नहीं, सुंदर सात को धमकी भी देने लगा कि लाओ ये किताब जो मैंने अनुवाद की, मैं आपको नहीं दूंगा। तब श्री जी ने विचार किया कि किताब कोई भी हालत में इब्राहिम को देनी नहीं है। तो फिर उसने थोड़ा शरीयत का कर्मकांड का भी डर बताया, लेकिन लालदासी और श्री जी सावधान हो गए, वो वहाँ से डर बता के चला गया। इतनी देर में जब श्री जी और सुंदर सात वहाँ दुखी बैठे थे,
इतनी देर में वहां मोहब्बत खान पठान आए। तो मोहब्बत खान पठान ने क्या कहा, पूछा कि अरे श्री जी आज आप दुखी क्यों हो, आज आप दुखी क्यों हो। तब श्री जी ने मोहब्बत खान पठान को लेकर सब बात रखी कि उसने झगड़े के लिए बहुत से हमको धमकी दी है। जब सब बात रखी तो मोहब्बत खान पठान इब्राहिम के घर गया और वहां जाके सीधे उग्र शब्दों में बोलने लगा। वहां उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी को क्या कहने लगा कि अरे इब्राहिम बच्चा कहाँ है, तो बाहर निकल। तब इब्राहिम की पत्नी ने बोला कि इब्राहिम तो दूसरे की कोई शादी करवाने के लिए, निकाह पढ़ाने के लिए वो बाहर गए हैं। तब सब पता पूछा, उसको पता मालूम हुआ किसको, मोहब्बत खान पठान को। तो मोहब्बत खान पठान जहाँ वो निकाह पढ़ा रहा था, कौन इब्राहिम, वहाँ गए और वहाँ जाके सीधे ही उच्च स्वरों में बोलने लगे और गाली के रूप में बोलने लगे कि हे इब्राहिम तू बाहर आ, तूने मेरे हादी को दुखी किया क्या, मुर्दार आज मैं तेरे को मार दूंगा। तब इब्राहिम जब निकाह पढ़ा रहा था वहां से बाहर आया और मोहब्बत खान पठान के चरणों में गिर गया और बोला कि अरे आप मेरे पर आज इतना क्यों क्रोध कर रहे हो, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आप मेरे पर इतना न बिताइए। तब बोले कि तूने मेरे हादी और मेरे सुंदर साथ को दुखी किया है, जा तू मेरे चरणों में क्यों गिर रहा है, मैं अभी तेरी गर्दन काट दूँ, लेकिन मेरे हादी की इजाजत नहीं है, उसकी रजा नहीं है, इसलिए मैं तेरे को जीते जी छोड़ रहा हूँ, तू जा मेरे हादी के चरणों में गिर। और वहाँ गए जब श्री जी और सुंदर सात के पास, और वहाँ जाके श्री जी के चरणों में गिर कर दंडवत प्रणाम किया, श्री जी के पास क्षमा मांगी। तब वहाँ नूर मोहम्मद भी बैठा था, उसने बोला कि हे मुर्दार सिर ऊंचा कर, वो ऊंचा ही नहीं कर रहे थे सिर, तब बोला कि तू सिर ऊंचा कर मुर्दार, मैं अभी तेरे को मार देता, तूने मेरे हादी को दुखी किया है, तू यहां से चला जा। तब वहां से सुंदरसा जी इब्राहिम को जब मोहब्बत खान ने बोला कि तू श्री जी और सुंदर सात के चरणों में प्रणाम कर, तो उसने सबके पास क्षमा तो मांग ली, प्रणाम तो कर लिया, लेकिन अंदर का द्वेष अभी अजी गया नहीं था। तो वो सीधा अपनी छावनी, मतलब अपनी सिपाही और सब लोग जो अपना टेंट बनाया था, छावनी बनाई थी, वहाँ जाके अपने सिपाहियों के बीच में जाके ये सब बात रखी और वहाँ पूरा शोर मचाया और सिपाहियों को बोले कि चलो अब पूरे मंदसौर को घेरना है। और अपनी छावनी में आके सिपाहियों को क्या बताने लगे कि चलो पूरे मंदसौर में आसपास में सुंदर साथ सब शहर में कोई आसपास में छिप गए, कहाँ मंदसौर में। तब उनके भाई ने पांचवा सिपारा वह लिखावने लगा हुआ था जो पूरा, तो पांचवा सिपारा जो आधा था वो उसके भाई ने पूर्ण किया। इन समय दजाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे का उचित न हुआ मरोर। इन समय सब ये दजाल के रूप बन गए, कौन इब्राहिम और उनके साथी, छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, जोरी भर के लियावी टुकड़े मांगे फेर। बोलो श्री प्राणनाथ। अब यहाँ सब अलग अलग दूर दूर तक छिप गए और दिन में एक बार श्री जी का दर्शन करने के लिए सब आने लगे और सब शहर में कोई आसपास में छिप गए। फिर श्री राज आरोगत हेत सो एक इनकी जोरी के, सो बतावत अपने ये लियाया में। श्री राज आरोगत हेत सो एक इनकी जोरी के, तो सब क्या करते थे, अलग अलग छिप गए, लेकिन खाने के लिए फिर भिक्षा तो
मांगनी पड़ती तो आस पास में ग्राम में या नगर में भिक्षा मांग के सब सुंदर साथ लाते हैं, श्री जी को एक बार दिन में दर्शन करते हैं और सब भिक्षा एक साथ एकत्रित करते हैं। एकत्रित करके बाजूराज जी, मैं अभी बताया ना कि सबके प्रति इतना प्रेम था और इतना आत्मिक भाव था और सबको समान रूप से, सबको समान रूप से ये भाग में बांट देती थी, क्या ये भोजन परोसती थी और महिला सुंदर साथ भी साथ में रहती थी। तो श्री जी की थाली में जब ये टुकड़े या कोई मिठाई आती थी तो श्री जी क्या करते थे, उसमें से टुकड़े निकाल के फिर ऊंचे करके पूछते थे कि किसका टुकड़ा है, किसकी जोड़ी का टुकड़ा है। तब मान लो लालदासी हो तो लालदासी भी बोलेंगे कि मेरी जोड़ी का है, ठीक है। मुकुंददासी हो, गोवर्धन भाई हो, चाहे हमने 12 मोमिनों का आज कितने दिनों से हम नाम ले रहे हैं और भी सुंदर साथ, क्योंकि वहां तो कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहा और गरीब अमीर का नहीं रहा, वेशभूषा का नहीं रहा, जाति नाति का नहीं रहा, सबको एक समान, सबको एक समान, क्योंकि सबका अहंकार क्या हुआ, नष्ट हो गया, ठीक है। तो यहां श्री जी ऊंचा करके बोलते थे कि किसकी, तब लालदासी वो तो बोलते लालदासी कि मेरी जोरी के टुकड़े है, किसके है, ये मेरी जोरी के टुकड़े है। कोई सुंदर साथ होते तो बोलते कि मेरी जोरी के टुकड़े है। मोमिन राजी वही के बाता करे खुश दिल, ऐसे सब रोज टुकड़े मांगते थे और जो आता था भिक्षा में और सब एकत्रित करके सब खुश खुशहाल होके साथ में एकता और संगठन बना के सब साथ में भोजन आरोपते थे और इतना आनंदित और प्रसन्न चित रहते थे। तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुम कबीला आस, रे सोबत बल सूरत में संग जोश जबराइल खास। यहाँ श्री जी ने क्या बोला कि अरे हे सुंदर साथ जी, तुमने इन दज्जाल रूपी जो जो लोग विरोध करने वाले थे उसका सिर तुमने बांध दिया है, आपकी कितनी प्रशंसा होगी, आपका कितना सिर ऊंचा होगा। यहाँ श्री जी सिफत गा रहे हैं कि आपका प्रकाश झलकता रहेगा कि श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन, दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। श्री बाई जी ने भी इन समय बहुत सी सुंदर साथ की, सुंदर साथ जी सेवा की। कैसे, हम कई बार ऐसे भी सुनते आ रहे बीतक के माध्यम से कि बाईजूराज महारानी जी 5000 की जमात को दाल बना के परोसती थी, लेकिन सुंदर साथ जी वहाँ हजारों की जमात में सुंदर साथ थे और कई हजारों की जमात में महिला सुंदर साथ भी थी, तो एकली बाईजूराज जी दाल बना के नहीं खिलाती थी, लेकिन हाँ बाईजूराज जी सब सुंदर साथ का नेतृत्व करती थी और भोजन परोसने में सबका एकत्रित करके वो प्रथम नंबर पे सबको आगे रह के सबको अपने अनुसार भाग के अनुसार वो परोसती थी। तो यहाँ बाईजूराज जी की सेवा भी लालदासी ने बताई, एक दूजे को सेवी हर भात कर चित्त, एत करे मीनो मीने कहू सकन पेठत। ऐसे ही सभी सुंदर साथ आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे, सेवा करने लगे। मुकुंददासी को उठे भेजे भावसी पास, तुम आए उनकी खबर लेओ हे जीवता कसु आस। यहाँ क्या बताया, उसी समय धामधनी मुकुंददासी को औरंगाबाद में भावसी हाड़ा के पास भेजते हैं कि जाओ जाके देखो वो धर्म की ओर जीवित है, क्या परमात्मा की ओर जीवित है या संसार की ओर। जो संसार की ओर जीवित है वो परमात्मा की ओर मरे हुए हैं और जो परमात्मा की ओर मरे हुए हैं वो संसार की ओर जीवित है। ये सब खबर पूछने के लिए श्री जी ने भावसी हाड़ा के पास किसको भेजा, मुकुंद दास जी को, जो हमको इत उलावी तो हम आवे इत। और आगे क्या बोला कि जाओ तुम जाके देखो कि उसी के अंदर कोई अंकुर है जो आपकी चर्चा सुन के वो ईमान लाएगा और बोलेगे कि हाँ तुम श्री जी को भी बुला के लाओ तो मैं भी वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। तब वहाँ से कासद भेज दिया सिताब, मंदसौर आए पहुँचिया पाती ले किताब। मुकुंददासी ने औरंगाबाद से ही श्री जी को
लाने के लिए अपना संदेशवाहक भेज दिया। सुंदरसा जी इस चौपाई में क्या धामधनी ने बताया कि अभी औरंगाबाद कल पहुंचेंगे, लेकिन हर चौपाई क्या बता रही है अंतिम में कि हम वहां पहुंच गए। मैंने कल भी बताया था ना पहुंचेंगे कल, लेकिन चौपाई में पहला बता दिया पहले कि वहां पहुंच गए और वहां जाके चरणों में प्रणाम भी किए और श्री जी के चरणों में किसने संदेशवाहक किताब रूप पत्र लेकर वहाँ पहुँचे और श्री जी के चरणों में पहुँचा। और उनमें भली भांत के लिखे थे सुकन्ना, पढ़ के आप राजी भये सब साथ मोमिन। इस पत्र के समाचार के साथ साथ श्री जी के प्रति बहुत बहुत प्रेम भरे वचन लिखे थे। जो पत्र वहाँ से आया, कहाँ से, औरंगाबाद से, तो जिसे पढ़कर श्री जी और सुंदर साथ खुश हुए। और अब मंदसौर से चलने का किया उपाय, साथ हुए सब तैयार, खबर सबों पहुंचाया। अब श्री जी मंदसौर से आगे कल औरंगाबाद पहुंचेंगे। महामती कहे मोमिनो ये मंदसौर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुकम हक। श्री महामती कहे मोमिनो, यहाँ महामती अपने स्वरों में कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, मैंने तुमको अब तक मंदसौर में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ ये प्रसंग को विस्तार से बताया, और कल औरंगाबाद में हम पहुंचेंगे और वहां क्या क्या घटनाक्रम घटित होंगे ये हम कल आगे सुनेंगे। इतना कहकर यहाँ वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराए, महामती कहे ए मोमिनो ये मंदसौर की बीतक, अब यहां से आगे चले सो कहो हुकम हक, सो कहो हुकम हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।